वट वुड बी द रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर इन द गिवन सर्किट हमें एक सर्किट गिवन है और इसमें हमें अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है अमीटर हमें क्या शो करता है करंट फ्लोइंग थ्रू कंडर और वोल्ट मीटर क्या होता है क्या शो करता है इट शो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है तो हमें रीडिंग ऑफ अमीटर और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकालनी है तो इस डायग्राम को हम सर्किट डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं सबसे पहले आपको ये देखना होगा इस सर्किट डायग्राम में जो स्विच है वो ओपन है या क्लोज है स्विच अगर क्लोज होगा तभी करंट फ्लो होगा तभी कुछ ना कुछ रीडिंग अमीटर और वोल्ट मीटर में आएगी अभी तक देखो ये स्विच जो है क्लोज है यानी कि इसमें करंट फ्लो होगा लेकिन अगर स्विच ओपन हो यहाँ डॉट ना लगाओ तो यानी कि स्विच ओपन है तो स्विच ओपन है तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी और अमीटर की रीडिंग होगी वो दोनों क्या हो जाएंगी बच्चे ज़ीरो तो तब आप डायरेक्ट लिख देना ज़ीरो अम्पेयर और ज़ीरो वोल्ट तो तब कोई रीडिंग ही नहीं आएगी लेकिन अभी तो इस जो हमारा स्विच है क्लोज है तो यानी कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो हम रीडिंग ऑफ अमीटर और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर फाइंड करेंगे इसकी कुछ वैल्यू होगी देन जीरो तो ध्यान से समझना क्या होगी इसकी वैल्यू अब जब करंट फ्लो करेगा तो कैसे फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव तो ऐसे जाएगा पॉजिटिव से अब ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है वन ओम की यहां से करंट पास हुआ और कंटिन्यूसली करंट किस में गया सेकेंड रेजिस्टेंस पे विदाउट एनी डिवीजन कहीं करंट की डिवीजन नहीं हुई यहाँ पर लेकिन अगर करंट ऐसे जाता बच्चे एक रेजिस्टेंस ऐसे लगी होती तो अगर एक रेजिस्टेंस ऐसे लगी होती और यहाँ से करंट जाता तो करंट इन दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाता तब वो रेजिस्टेंस पैरेलल में मानी जाती अभी ये रेजिस्टेंस कैसे है सीरीज में कनेक्टेड है तो ये ध्यान रखना सीरीज में कनेक्टेड है अब हमने जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होती है तो करंट जो होता है ना वो सेम रहता है इस बात का ध्यान रखना लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस डिफरेंस रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा सेपरेट होगा तो और अब हमें क्या निकालना है मीटर की रीडिंग यानी कि करंट और वोल्ट मीटर की रीडिंग पोटेंशियल डिफरेंस लेकिन जो वोल्ट मीटर है किसके अक्रॉस है टू ओम के अक्रॉस तो यानी कि हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा ना वो टू ओम के अक्रॉस निकालना होगा ना कि पूरे सर्किट के तो या फिर अगर मान लो वोल्ट मीटर फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा होता तो हम वन ओम के अलॉन्ग निकालते पोटेंशियल डिफरेंस तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस होगा सम ऑफ सम ऑफ टू रेजिस्टेंस जितने भी इंडिविजुअल रिजिस, रेजिस्टेंस हैं उनको प्लस कर देंगे तो आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू हो जाएगा आर वेयर आर इज टोटल रेजिस्टेंस और आर वन और आर टू जो है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है अब आर वन वन ओम है तो वन प्लस टू थ्री ओम टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी बच्चा थ्री ओम थ्री ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गई अब हम करंट निकालेंगे आई करंट आई करंट सेम है तो इसलिए हम इसको आई से डोनेट कर रहे हैं आई वन आई टू नहीं ले रहे क्योंकि करंट सेम रहेगा क्योंकि जो हमारी रेजिस्टेंस है सीरीज़ में कनेक्टेड है तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू वी अपॉन आर जो रेजिस्टेंस होती है ना करंट को कम करती है यानी कि जो करंट है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना करंट कम होगा तो इसलिए करंट अपने फॉर्मूला में रेजिस्टेंस को डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे रखता है ऊपर नहीं, नहीं रखता क्यों नहीं रखता क्योंकि उसको कम करती है ये तो जो चीज़ कम करती है उसको अपने फॉर्मूले में जो करंट है अपने फॉर्मूले उसको नीचे रखता है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है डिनोमिनेटर में आएगी आई इज इकल टू और जो पोटेंशियल डिफरेंस वी ऊपर आएगा तो वी अपॉन आर आई इज इकल टू वी अपॉन आर हमारा फॉर्मूला बन गया अब इसके अंदर वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं आई फॉर करंट हमें निकालना है और वोल्ट वोल्टेज यानी कि वी पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का कितना है थ्री वोल्ट की बैटरी लगी है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस थ्री रहेगा क्योंकि हमने टोटल रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो हम पोटेंशियल डिफरेंस भी सर्किट का ही लेंगे तो सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है थ्री वोल्ट तो थ्री अपॉन थ्री कट के वन आ गया तो करंट इज वन एम्पेयर सो रीडिंग ऑफ अमीटर क्या रहेगी हम यहाँ लिख देते हैं वन एम्पेयर अब अमीटर की रीडिंग आ गई नेक्स्ट हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है अब वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस लगाए सेकेंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आर टू के अक्रॉस यानी कि टू ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो अब हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या रहेगा आई अगेन सेम फॉर्मूला यूज होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इज टू लेकिन इधर हम वी टू ले लेंगे वी टू ले रहे हम ध्यान से समझना क्योंकि हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं सेकेंड रजिस्टेंस आर टू के अक्रॉस इसलिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंड रजिस्टेंस के लिए वी टू एज्यूम कर लिया है वी टू अपॉन आर टू और अगर हमने फर्स्ट रजिस्टेंस के अलॉन्ग निकालना होता तो हम वी वन ले लेते ले तो अभी इस क्वेश्चन में हमें ओनली सेकेंड रजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है क्योंकि जो वोल्ट मीटर है सेकेंड रजिस्टेंस के अक्रॉस लगा हुआ है तो अब हम कैलकुलेट करते हैं आई जो है हमें कितना है वन एम्पेयर क्योंकि ये थ्रू आउट द सर्किट सेम रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज़ में करंट सेम रहता है सीरीज़ के केस में और वी टू हमें कैलकुलेट करना है वी टू को वी टू रहने देते हैं और सेकेंड रेजिस्टेंस आर टू की वैल्यू टू ओम है तो रेजिस्ट आर टू की जगह टू ओम आ गया अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बच्चा वी टू को वन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा वी टू दिस सिंपलाइज डेट वी टू क्योंकि वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है ना तो वन इंटू वी टू वी टू हो गया और वन इंटू टू क्या होगा टू तो वी टू टू हो गया यानी कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितनी आ गई टू वोल्ट टू वोल्ट